हे एवरीवन, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू गाज़ियाबाद ब्लूमिंग चैनल। और अपने आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए ये उपमा की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हमने सुबह के ब्रेकफास्ट में उपमा बनाया था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये देखिए, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है और एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है। इसे मैंने ऑलरेडी कढ़ाई में फ्राई के लिए रख दिया है। और मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, जिसमें 1/2 स्पून सरसों भी डाल दी थी। और ये देखिए, इन्हें मैंने फ्राई कर लिया है। और इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि उपमा में हाफ फ्राई ही सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो इन्हें बस हल्का सा उलट पुलट करके भून लेना है, पूरी तरह ने फ्राई नहीं करना है। अगर ये पूरी तरह से गल जाएंगी तो जो उपमे का नेचुरल टेस्ट होता है वो टेस्ट नहीं आएगा। तो बस अब इसके बाद देखिए, ये 150 ग्राम सूजी है और ये सूजी को मैंने पहले से नहीं भुना है। ये यहाँ सब्जियों के साथ ही मैंने उलट पुलटते हुए दो तीन मिनट बस इनको चलाना है और ऐसे ही हल्का भून लेना है। अगर हम सूजी को पहले से भून के रख लेंगे तो ये उपमे का टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। आप इन्हें सब्जियों के साथ ही भूनेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी लगेंगे। और ये देखिए, बस 2-3 मिनट हो गए हैं, ये इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और ये ऑलमोस्ट जो है सूजी भुन चुकी है। अब हम इसे 1 मिनट तक और भून लेते हैं। और बस अब इस पॉइंट पर आकर के जो बाकी के वेजिटेबल्स हैं वो भी हम इसी में मिक्स कर देते हैं। ये थोड़ी सी हरी धनिया है जो मैंने पहले से कट करके रख ली थी, और ये हाफ हरी मिर्च है, और ये एक मीडियम साइज का टमाटर है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सबको भी आपस में मिक्स करके थोड़ा सा भून लेते हैं, जिससे कि ये सब्जियाँ भी अच्छे से इसमें मिल जाएँ। पत्तियाँ, 10-12 पत्तियाँ करी पत्ते की भी डालनी है, इनसे अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। मैंने ऊपर से डाली है, आप चाहें तो छौके के वक्त भी, जब सरसों के दाने आप ऑयल में डालें तो आप उस वक्त भी ये करी पत्ते उसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए, सब्जियाँ पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और ये कुछ मूँगफली के दाने हैं जो मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिए थे, अब ये दाने भी इसी जगह आकर के इसमें मिला देते हैं। इनसे भी उपमा का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और ये देखिए, सभी सब्जियां और मूँगफली के दाने इसमें मिक्स हो गए हैं, पूरी तरीके से सब कुछ अच्छे से भून के रेडी हो गया है। और अब इस पॉइंट पर आ करके ये गरम पानी है जो मैंने पहले से गरम कर लिया था, ठंडा पानी इसमें नहीं मिलाया, क्योंकि गरम पानी से क्या होता है, ये सूजी एकदम से फूल जाती है। और मैंने 1/2 कप सूजी ली थी तो 3 कप गरम पानी इसमें मिक्स किया है। इससे पहले जो मैंने अपने वीडियो डाली थी, जो नवरात्र की वीडियो डाली थी, तो उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि जब सूजी का हलवा बनाते हैं तो पानी उसमें भी गरम करके ही डालते हैं। इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ता है। और ये देखिए, मैंने इसमें 1 स्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखिए, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिल गई हैं। इनको अच्छे से हाथों से हल्के से मिक्स कर देना है। और इसके बाद में जो है, ये मैंने 1/2 स्पून लाल मिर्च भी डाली है, क्योंकि हरी मिर्च मैंने इसमें पहले से ही डाली थी, इसलिए लाल मिर्च कम डाली है। मिर्च और नमक तो ये सब ऑप्शनल होता है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या कर ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं होता है। और ये देखिए, सूजी ने जो है पानी को अच्छे से सोख कर लिया है, अब ये फूलने लगी है। और बस अब हम थोड़ी देर के लिए इस सूजी को ढक के रख देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। अभी देखिए, सूजी फूल चुकी है। हमने इसमें से 1 या 2 मिनट के लिए हमने इसको रखा था। अब हमारा उपमा देखिए बनकर रेडी हो गया है, और ये बहुत ही अच्छा उपमा बना है। और मैंने इसे एक सर्विंग बाउल में ले लिया है, और ऊपर से ये लेमन 1/2 कट के रख दिया है। आप चाहें तो, अगर अपने टेस्ट के हिसाब से आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं, तो लेमन को ऊपर से स्क्वीज करके भी आप डाल सकते हैं। और ये हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, और अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन की तो मैंने ऑलमोस्ट पूरी सफाई कर ली थी, ये कुछ ग्लासेस रह गए थे, कुछ क्रॉकरी रह गई थी जो मैंने आज साफ़ करी है। ये कुछ ग्लासेस हैं और बॉल्स हैं जिन्हें मैंने धो करके और इस तरीके से उल्टा करके रख दिया है, जिससे कि इनका पानी एकदम सूख जाए।
और ये देखिए मैंने क्रॉकरी को यहाँ धूप में रख दिया है और क्रॉकरी एकदम अच्छे से सूख गई है। देखिए कितनी अच्छी है, एकदम शाइनिंग सी आ गई है। बर्तन हो या स्टील के हो या ग्लास के बर्तन हो, आप अगर अगर उन धोने के बाद हम उन्हें धूप में रख देंगे तो उनमें बहुत अच्छी चमक सी आ जाएगी और वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और ये यहाँ पर मैंने किचन कबर्ड की सफाई शुरू कर दी है और जार वगैरह मैंने साफ़ करके पहले ही सेट कर दिए थे। अब ये इसकी विंडो साफ़ कर रही हूँ। ये वाइट है इसलिए इसमें दाग धब्बे वगैरह ज़्यादा पड़ जाते हैं, लेकिन अब ये स्कॉच ब्राइट की हेल्प से और मैंने ये इसे देखिए साफ़ कर दिया ग्लासेस सूख है। गए हैं, बॉल्स भी सूख गए हैं, मैंने इनको रैक पे लगा दिया है और धूप में इनको सुखा लिया था। सुखाने के बाद में बॉल्स सुलवाते जिससे ना पानी नहीं जमा हो पाता। और ये देखिए जो मैंने शीट्स लगाई हैं, ये जो शीट्स हैं, ये जो आटे के बैग आते हैं 10 किलो के, रेडीमेड बैग आते हैं, ये देखिए ये जो आपके घर में आटा वगैरह आता ही होगा तो 10 किलो या 5 किलो का, इनकी जो शीट्स होती हैं वो बहुत ही मज़बूत होती हैं। ये जो शीट्स मैंने यहाँ पर सब जगह बिछा के रखी हुई हैं और इनकी जो प्लास्टिक होती है वो काफ़ी, देखिए कितनी मज़बूत प्लास्टिक होती है। आप इसको वॉश भी कर सकते हैं और पोंछ भी सकते हैं। चाहे तो आप मार्केट से भी रेडीमेड शीट्स ला सकते हैं, लेकिन ये घर में इजिली अवेलेबल होती है और इनको आप कई बार साफ करके बार बार दोबारा से यूज़ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये शीट्स जो है इनके ऊपर बिछा दी है। और इन प्लास्टिक शीट्स के ऊपर आप वाइट कलर से भी बिछा सकते हैं। तो ये क्रॉकरी इस तरीके से रखी हुई काफ़ी सुंदर और साफ लगती है। और ये देखिए इसके बगल में ये विंडो है, ये अलमारी भी मैंने साफ़ कर दी है। ये देखिए ये सब पूरी तरह से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर देखिए ये ऊपर डिब्बे है, ये डेली यूज़ का सामान है, ये सब चीज़ें जो हैं जो डेली यूज़ में आती हैं मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। और ये नीचे मसाले वगैरह हैं। और ये देखिए पुराने जो कॉफ़ी के जार्स थे, जो कॉफ़ी के जार होते हैं, मैं उनका भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये ग्लास के होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। और बाकी देखिए ये है कि जो डेली यूज़ का सामान है ये सब मैंने लगा दिया है। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड करके नहीं रखा है मैंने, इस तरह से रखा है जिससे कि कोई भी चीज़ की हमें ज़रूरत हो तो वो आसानी से एक बार में हम उसे ले सकते हैं। ज़्यादा कंजस्टेड होने से जो है दिक्कत होती है सामान लेने में। तो देखिए इस तरीके से ये विंडो वगैरह भी मैंने अभी आपको साफ़ करके दिखाई थी, तो ये विंडो भी मैंने इसमें साफ़ कर लगा दी। और ये देखिए नीचे की तरफ भी मैंने यही प्लास्टिक शीट बिछाई है और ये बहुत अच्छी लगती है। आप अगर इसमें डस्ट जमा हो जाए तो आप इसको गीले कपड़े से आराम से साफ़ करके रख सकते हैं। आप इन्हें वॉश भी कर सकते हैं, धूप में सुखा के रख दीजिए तो ये फिर से एकदम नई जैसी हो जाएंगी। तो बार बार जो है पेपर चेंज करने की आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये थी मेरी किचन की क्लीनिंग। बाकी किचन भी मेरा साफ़ हो गया था, बस इतना ही रह गया था। और आज मैंने ये किचन की क्लीनिंग भी अपनी कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरफ मैंने कप लगा दिए हैं, ये अलग अलग साइज़ के कप हैं, जिसका ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। और ये जो बहुत सबसे छोटे कप हैं, ये जब बच्चे छोटे थे तो मैं उनके लिए ख़रीद के लाई थी, मुझे अच्छे लग रहे थे। और ये बड़े साइज़ के कप हैं, जैसे सर्दियों में ज़्यादा चाय पीने का मन होता है तो ज़्यादा पी सकते हैं। और ये थोड़े छोटे साइज़ के कप हैं। तो मेरी आवाज़ भी बैठ गई, काफ़ी थक गई हूँ। तो ये सारे कप जो है मैंने धो करके इस तरफ भी लगा दिए हैं। तो ये अलमारी भी इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गई है। और ये डेली यूज़ के कप हैं जो हमारे डेली में यूज़ आते हैं, और जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए फिर हम एक्स्ट्रा कप निकाल लेते हैं। रोज़ में हमारे यही कप इस्तेमाल होते हैं और जब एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है तो जो एक्स्ट्रा कप है वो हम निकाल के रख लेते हैं जब कभी गेस्ट आते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। प्लीज़ मुझे फीडबैक दें जिससे मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस कैसे हैं, जिससे मैं आगे आप लोग के लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिले। अपने नए वीडियो के साथ में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।